हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईस्ट और वेस्ट कार्स एंड बाइक्स आर बेस्ट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑल न्यू वैगन आर 2019 के बारे में, जो एक काफ़ी प्रैक्टिकल गाड़ी है। और जब से ये लॉन्च हुआ है, ये तब से ही एक बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और एक प्रैक्टिकल गाड़ी है। और बिकॉज इसका जो टॉल बॉय स्टांस है, उसके वजह से इंटीरियर में स्पेस ज़्यादा लिबरेट होता है, मेनली हेडरूम। इसके वजह से जो बुज़ुर्ग आदमी है, उन लोगों को इस गाड़ी में बैठने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। पर इस गाड़ी के जो ओल्डर जनरेशन था, उसमें बहुत सारे फ्लॉ थे, जैसे कि पुअर राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी, लैक ऑफ फीचर, लैक ऑफ सेफ्टी, जो इस वाले मॉडल में काफ़ी हद तक सुधार दिया गया है। इसका इंजन बेटर कर दिया गया है, मेनली इंजन बेटर कर दिया गया। इसका मतलब है जो 1 लीटर वाला 3 सिलेंडर के सीरीज इंजन चल रहा था, वही कंटिन्यू होगा, पर उसके साथ आपको एक 1.2 लीटर के सीरीज इंजन का भी ऑप्शन मिलता है, जो हम लोगों ने पहले स्विफ्ट, इग्निस, बलिनो, डिजायर ऐसे गाड़ियों में हम लोगों ने देखा है। तो ये इंजन भी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल और माइलेज फ्रेंडली इंजन है। इसमें शायद 21.5 का माइलेज मिलता है, मुझे एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन अभी पता नहीं है, मैं असल में भूल गया हूँ। और जो 1 लीटर मॉडल है, उसमें आपको 22 का माइलेज मिल जाता है, मत ARI क्लेम्ड। तो अगर बात करते डिज़ाइन की, तो डिज़ाइनिंग पहले से ज़रूर थोड़ा सा सुधार किया गया है, जो ट्रैक है उसको बड़ा कर दिया गया है, जो व्हील बेस है उसको बढ़ा दिया गया है, इवन जो हाइट है उसको थोड़ा सा घटाया गया है। ये एक अच्छी बात है, बिकॉज पुरानी वैगनआर कुछ ज़्यादा ही टॉल थी, और इसका इवन विड्थ भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, जिससे आपको बेटर स्पेस मिलता है इंटीरियर में। और उसके साथ साथ हम इस वाले मॉडल में, मतलब कि जो नया जनरेशन वाला वैगन आर अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है, उसमें आपको बेटर सेफ्टी मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको पुराने मॉडल से बेटर आपको जो चेसी की रिजिडिटी है वो आपको बेटर मिलेगा, क्योंकि ये असल में सिक्स जनरेशन हार्टेक चैसी पे बेस्ड है, जो हम लोगों ने स्विफ्ट, इग्निस, बलिनो, डिजायर इन गाड़ियों में भी देखा है। अगर एक्सपेक्टेशन इसके तरफ से हम लोग अगर देखें सेफ्टी के मामले में, तो जैसे स्विफ्ट ने स्कोर किया था ग्लोबल एनकैप में 2 स्टार, मेरे हिसाब से ये गाड़ी भी उतना ही स्कोर करेगा या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा और कम भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कौन से वेरिएंट को टेस्ट किया जाए, क्योंकि इसका जो बेस मॉडल है उसमें आपको सिंगल एयरबैग और ABS विथ EBD मिलता है, आपको बेस मॉडल में ड्यूअल एयरबैग नहीं मिलता। इवन अक्रॉस द रेंज आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर नहीं मिलता, सिर्फ आपको सिंगल एयरबैग और ABS विथ EBD ही मिलता है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर कर दिया जा सकता था, पर वैसा किया नहीं गया। उसके बदले में आपको एक ऑप्शनल पैक लेना पड़ेगा, अगर आप लोग एक ड्राइवर साइड एयरबैग के साथ एक को ड्राइवर साइड एयरबैग भी चाहते हैं, तो उस चीज़ में ये कुछ तरीके से सेंट्रो की तरह ही हो गया, जो मैंने सेंट्रो के रिव्यू के वक्त भी मैंने कहा था, ये चीज़ मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। इवन सेंट्रो में तो इवन वर्स्ट है, क्योंकि सेंट्रो में आपको पैसेंजर एयरबैग का ऑप्शन ही नहीं मिलता लोअर वेरिएंट्स पे, पर इसके जो लोअर LXi और VXi ट्रिम है उसमें आपको ऑप्शनल मिल जाता है, और ZXi में तो वैसे ही आता है, जो एक काफ़ी अच्छी बात है, पर लोअर मॉडल में भी आता तो थोड़ा सा बेटर हो सकता था। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की, तो जो 1.2 लीटर वाला 4 सिलेंडर इंजन जो नया ऐड किया गया है वैगनआर में, तो वो तो
बेशक बहुत ही अच्छा और रेव हैप्पी इंजन है, उसके बारे में तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। माइलेज भी ठीक ठाक निकल देता है और रिफाइनमेंट भी काफी बढ़िया है। आप अगर वैगन आर को छोड़ के इवन स्विफ्ट में भी देखे, सेम इंजन है उसका, इंजन का रिफाइनमेंट भी सेम है, मतलब कि आपको इस गाड़ी का रिफाइनमेंट भी स्विफ्ट की तरह ही मिलेगा, जो एक काफी अच्छी बात है। पिकअप के मामले में ये बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि ये स्विफ्ट से भी लाइटर है और ऑलमोस्ट इक्वल पावर ही डेवलप करता है। तो इसका मतलब कि इसका जो पार टू वेट रेशियो और टॉर्क टू वेट रेशियो है वो काफी अच्छा है 1.2 लीटर इंजन में। अब बात करते हैं 1 लीटर इंजन का। वो ये वैगनार में जो जिस मॉडल का हाल ही में डिसकंटिन्यू किया गया उस वाले जनरेशन में आता था, मतलब कि 2010 में जो मॉडल लॉन्च किया गया था, ये है के सीरीज बी इंजन। ये एक 3 सिलेंडर इंजन है, ये काफी प्रूवन और रिलायबल इंजन है, इवन माइलेज भी काफी अच्छा है, पर आपको वाइब्रेशन थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। ऑफ कोर्स की बात है क्योंकि ये 3 सिलेंडर इंजन है तो वाइब्रेशन तो आपको ऑब्वियसली मिलेगा, पर माइलेज आपको थोड़ा सा बेटर मिलता है। पर अगर आपको एक फ्रंट टू ड्राइव गाड़ी चाहिए तो मेरे हिसाब से 1.2 लीटर मॉडल आपके लिए थोड़ा सा बेटर होगा। 1 लीटर का इंजन का भी परफॉर्मेंस मैं नहीं बोल रहा बुरा है, पर 1.2 लीटर का परफॉर्मेंस इवन बेटर है उससे, और ब्रेकिंग भी पहले से बेटर कर दिया गया है क्योंकि चेसी तो ऑब्वियसली अलग है और पुराने वाले जो वैगन आर था उसका एक बड़ा प्रॉब्लम है बॉडी रोल और नोज डाइव, जो इस वाले जनरेशन में काफी हद तक कम कर दिया गया है। और अगर आप लोग पुराने वाले वैगन आर और नए वाले वैगन आर को चलाए तो आप लोगों को डिफरेंस जरूर महसूस होगा क्योंकि जो बॉडी रोल है वो काफी हद तक चला गया है। बॉडी रोल स्टील है क्योंकि ये एक स्टील टॉलवर डिजाइन पे ही बेस्ड है, तो बॉडी रोल ऑफ कोर्स की बात है आएगा। और जो नोज डाइव है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, जो एक काफी अच्छी बात है। थोड़ा बहुत है पैनिक सिचुएशन पे, कोई भी गाड़ी में थोड़ा बहुत आता है, पर पहले से मच 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 बेटर है। और अगर मैं बात करूं इंटीरियर की तो उसका पिक्चर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा बेटर करना चाहिए था मारुति को, क्योंकि ये एक नया जनरेशन मॉडल है तो थोड़ा सा बेटर चीज़ें तो दिया जाना चाहिए था ना। जो इसका क्वालिटी है वो तो पहले से बेटर हुआ है, पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, टियागो की टक्कर की क्वालिटी अभी भी इसमें नहीं मिलता, सेंट्रो की क्वालिटी का तो टक्कर का मिलता ही नहीं। पर जो इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो काफी एडवांस्ड है और ये एक नया इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो फर्स्ट वैगनार में ही इंट्रोड्यूस किया गया है, फिर अभी हाल ही में लॉन्च हुआ बलिनो में भी हम लोगों ने ये इंफोटेनमेंट सिस्टम देखा है। ये स्मार्ट प्लेस नाम दिया गया है इसका, स्मार्ट प्लेस स्टूडियो, जो पहले के स्मार्ट प्ले से ज्यादा फास्टर, ज्यादा स्लिक, ज्यादा क्रिस्प है, और ये हारमन ने डेवलप किया है। पर जो म्यूजिक सिस्टम का इशू है वो मैं आपको बताऊंगा, मतलब कि टच स्क्रीन में कोई बड़ी इशू नहीं है पर साउंड क्वालिटी में एक इशू है, क्योंकि आपको सिर्फ टॉप मॉडल में भी आपको सिर्फ सामने के दो दरवाजों में ही स्पीकर्स मिलेंगे, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर कर दिया जाता तो बेटर होता, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे फीचर्स दे रहे हो तो थोड़ा सा बेटर साउंड क्वालिटी बनता है तो बेटर होता। फिर भी ठीक है, वो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आफ्टर मार्केट भी उसको इंस्टॉल करवा सकते हैं अच्छे क्वालिटी का, पर दोनों का साउंड मैच करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और एक जो इसका खास चीज़ है वो इसका बूट स्पेस, इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बूट स्पेस आपको मिलता है करीबन 340 लीटर का, जब मेरे
हाँ ये इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है, इवन 340 लीटर, 340 लीटर एमयू में भी आपको 340 लीटर का से थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। मतलब कि ये करीबन एक जो क्या बोलूँ सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सीडान से करीबन उसके समान समान ही इस छोटे से हैचबैक में आपको बूट स्पेस मिल जाते हैं, जो काफी प्रैक्टिकल चीज है। अगर आपको कहीं पे लॉन्ग टूर पे जाना हो तो ये काफी अच्छा आपके लिए साबित होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि इस गाड़ी के अंदर आपको स्पेस नहीं मिलता। इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत अच्छा स्पेस मिलता है अगर आप पिछले मॉडल से कंपैरिजन करें तो। हेडरूम तो सच में काफी अच्छा मिलता है, जो मिलना चाहिए भी इसके टॉल स्टांस की वजह से। लेग रूम भी बेटर है, सीट बेस का जो अंडर थाई सपोर्ट है वो भी बेटर है। सिर्फ मेरे हिसाब से सीट का जो कुशनिंग का क्वालिटी है वो थोड़ा सा बेटर किया जा सकता था। और इसके जो AMT मॉडल है वो भी काफी अच्छा है। हम लोगों ने AMT इसके पुराने मॉडल में भी देखा है, जो 1 लीटर वाले थे अब आपको 1.2 लीटर मॉडल में भी ये मिल जाता है, जो एक बेशक काफी अच्छी बात है। और बात करूं इस गाड़ी के जो टायर के बारे में, तो इसमें आपको MRF का 165/65 R14 टायर मिल जाता है, जो ठीक है। पर टॉप मॉडल में भी आपको एलॉय नहीं मिल पाता, जहाँ पे टियागो टॉप मॉडल में एलॉय ऑफर करता है, यहाँ पे इस गाड़ी को भी करना चाहिए था, जिससे ये थोड़ा सा बेटर हो जाता। फिर भी ठीक है, क्योंकि इसका जो सॉरी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो काफी एडवांस्ड है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस सेगमेंट में इतना अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम हुंडई का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी अच्छा है, पर इसका जो इंटरफेस है ये क्योंकि नया है तो दिखने में थोड़ा सा बेटर तो लगेगा, ऑफ कोर्स की बात है। बट ओवरऑल एक काफी अच्छी गाड़ी है। तो अब इस गाड़ी के आप लोग कुछ पिक्स देख लीजिए। जैसे कि दोस्तों आप लोग अभी स्क्रीन पे जो नई वैगन आ रही है उसके फोटोज देख पा रहे होंगे, ये दिखने में बहुत ज़्यादा कुछ बेटर नहीं लग रहा है, फिर भी पहले से काफ़ी बेटर है। पर लुक्स अभी भी उतने कुछ खास अच्छे नहीं हुए मेरे पर्सनल प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि जो सब डिज़ाइन है वो एक सब्जेक्टिव मैटर है। एक एक लोग एक एक डिज़ाइन को अलग तरीके से लेते हैं, पर अभी भी ये गाड़ी काफ़ी बॉक्सी शेप में आता है और फ्रंट का ग्रिल बहुत ही बेटर लगता है पहले के मुकाबले, और ये थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया गया है। आपको हेडलाइट भी थोड़ा सा बिगड़ मिलता है नए मॉडल में, और उसके साइड में थोड़े से आपको डिटेलिंग मिलते हैं जो इसको एक बेटर लुक देने में हेल्प करता है। और जो साइड का लुक है वो बहुत ही ज़्यादा बॉक्सी लुक आपको मिलता है, और रियर का लुक भी आपको काफ़ी हद तक CRV से मिलता जुलता मिल लाएगा, और इंटीरियर भी काफ़ी बढ़िया है। तो आशा करते हो दोस्तों आप लोगों ने इस गाड़ी के करीबन सारे पिक्चर्स ही आप लोगों ने देख लिए होंगे। और अब बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में। तो इस गाड़ी का जो प्राइसिंग है वो 4,20,000 रुपीज़ से शुरू होकर 5,70,000 तक जाता है। और ये जो प्राइस है ये असल में एक शोरूम प्राइस है, ना कि ऑन रोड प्राइस। तो इस प्राइस को आप लोग ऑन रोड प्राइस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और इस गाड़ी में जो फीचर्स मिलते हैं वो फीचर लिस्ट तो काफ़ी बढ़िया है, पर कुछ फीचर्स मिसिंग है, जैसे कि एलॉय, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो टियागो पे मिलता है। फिर भी ठीक है, क्योंकि ये वैगनार पुराने वैगनार से एक बड़ा स्टेप अहेड है।
क्योंकि इसका जो इंजन है वो बहुत ही ज्यादा पंची और हैप्पी है, और ऑफ कोर्स की बात है एक जापानीज इंजन होने के नाते इसका रेव हैप्पीनेस तो जरूर होता है। और इस सेगमेंट में आई कैन से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कार है ये गाड़ी, क्योंकि टियागो का 3 सिलेंडर मोटर इसे थोड़ा 2 हॉर्स पावर करीबन 2-3 हॉर्स पावर ज्यादा प्रोड्यूस करता है, पर मेरे हिसाब से रियल लाइफ कंडीशन में ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता दे पाता, क्योंकि टियागो इससे काफी ज्यादा हेवी है। इस गाड़ी के प्राइसिंग के ऊपर अगर आप लोगों को एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं उस वो भी बना सकता हूँ, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखे तो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना मत भूलना, और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को जरूर से दबाइए जिससे मेरी कोई भी अपडेट आप लोग मिस ना कर पाए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और दोस्तों जरूर से हेलमेट पहन के चलिए और सीट बेल्ट लगाइए जिससे आप लोग हर समय रोड में सेफ रहें। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।